इसमें वो लेक्चर ये कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस कराने हैं और उसमें हमने इंडाइसेस पढ़े थे और इंडाइसेस का ये लेक्चर सेकंड है और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से हम शुरू कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो बताया था मैंने कैसे होगा ये। पहले ये नंबर है, नंबर का इंटू कर दो तो 36 है, सबको कलेक्ट कर लो, नंबर को अलग अल्फाबेट को अलग, ठीक। 2 × 3, अब ए का ए से करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, इसको अलग कर लिया, ठीक है। बी क्यू इंटू बी स्क्वायर, इसको अलग कर लिया। सी फोर इंटू सी थ्री, इसको अलग कर लिया, ठीक। अब ये कितना हो गया, 6। अब जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती, तो ए को 2 और इसके ऊपर पावर कितनी, 1, 2 और 1 3 इंटू, जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती हैं, ये कितनी हुए 5। ये कितना हो जाएगा, बेस इक्वल है तो सी की पावर 7। ये आपका आंसर आ गया, ए क्यू इंटू बी 5 इंटू सी 7, इसको आंसर बोलते हैं, ठीक। कोई लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर बी 4 सी क्यू डिवाइड बाई 2 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैसे करेंगे इसको। देखो, नंबर नंबर अलग, 2 ये डिवाइड में पूरा पार्ट, ओके, ये डिवीजर है, ठीक है। तो इसको 12 के नीचे 2 कर लो, ए स्क्वायर के नीचे ए कर लो, बी 4 के नीचे बी स्क्वायर कर लो, सी क्यू के नीचे सी स्क्वायर कर लो। अब इनका इंटू कर दो, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाल देना, तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। ये ऐसे ही फॉर्म में आएगा, क्योंकि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 ए स्क्वायर बी 4 सी क्यू अपॉन 2 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। तो इसके बाद ये वाली स्टेप आएगी, ठीक। जब ये वाली स्टेप आएगी तो फिर इसको करते हैं, ये कितना बार, 6 बार कट गया, ये ए से एक ही कट गया, एक ये रह गया, ये 2 × 4, ये 2 रह गया ऊपर, तो बी स्क्वायर बचा, ये यहाँ एक सी बचा, 3 में से 2 गए, क्योंकि इसको भी मैं अभी समझा था डिटेल में, ये सी हो गया। तो कितना हो गया, 6 ए बी स्क्वायर सी। अब ये कैसे हुआ, जब इतना तो समझ में, नंबर का कट हो जाता है, ठीक है, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ क्योंकि एक इंडाइसिस में रूल था, जैसे कि बेस इक्वल है, जैसे ए अपॉन एन होता है, तो जब बेस इक्वल है तो क्या होता है, ए एम माइनस एन होता है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा यूज होता है, ए एम इंटू ए एन, तो इसका यूज होता है ए एम प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पे बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, मतलब कट जाएंगी, सेम एक ही बात है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं, अगर ये समझ में ना आया हो तो और देखते हैं क्वेश्चंस की क्या कमी है हमारे पास। 5 की पावर 1/4, ओके, और 125 की पावर 0.25, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड,
सिंपल मेथड क्या, अब देखो हमको बेस इक्वल करने हैं, यहाँ पे बेस हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इंडाइसेस में बेस है, बेस से ही हमको सॉल्यूशन मिलता है, उसका सिंप्लीफिकेशन मिलता है, तो हमको पहले बेस इक्वल करने हैं। तो ये 5 का 1/4 हो गया, ठीक। अब ये 125, 5 कितनी बार लिखें तो 125, 125 को डिवाइड कर दो, 5, 125, 25, 5, 5, ठीक है ना, ऐसे डिवाइड कर दो इसको, तो कितनी बार आ गया, ये आ गया अपना 3 बार, ठीक। तो ये कितना हो गया, 125 अपॉन, ये हो गया आपका 5 × 5 × 5, मतलब 5 का क्यूब। तो ये इसको अपन 5 का क्यूब लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना, तो 5 का क्यूब, और ये कितना है, 0.25, ठीक है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा, जब a^m हो, उसका होल n हो, तो ये क्या हो जाता है, am × n हो जाती, ये फार्मूला याद है ना, यस। तो यही फार्मूला यहाँ पे अभी लगाएंगे, 5 की पावर 1/4, ओके, इंटू 5, 3 × 0.25, ठीक। अब क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया, अब यहाँ पे ये सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक, 3 × 0.25 का ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। तो 1/4 × 5³ कितना, ये आ गया 0.75, ठीक। कोई नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और 0.75 को हम अगर चलो 0.75 को यही रहने देते हैं, और 1/4 को हम अगर चेंज करें ऐसे फॉर्म में, पॉइंट वाले फॉर्म में, तो कैसे, तो 0. कितना आ जाएगा, 2.5, इसको 2.5 लिख सकते हैं, 1/4 = 0.25 डिवाइड करने पर, ठीक है, ये आता है। तो 5 की पावर कितना हो गया, 0.25 × 5 की पावर 0.75। अब दोनों को ऐसे करेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 + 0.75, ओके, क्योंकि ये लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है, am × an, जहाँ बेस इक्वल है, जहाँ बेस इक्वल है, ठीक। तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, am × n, तो इसका पावर भी ऐड हो गया। अब 0.2725 अपॉन, इनको दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया, 10, 5, 5, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 1, तो ये आ गया 5 इसका आंसर, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सवालों से ही समा बनता है मैथ का, ठीक है ना, बिना उसके कुछ नहीं होता। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, और हम आपको और बेहतरीन सवाल बताएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, जो कि बहुत ही ट्रिकी है, बट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे, तो आपको उन सवालों से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस नंबर 4, 3 देख लिए अपन ने, डिफरेंट टाइप के, एक का तो 1/2 1/6, ओके, 2 की पावर 1 2/3, -2/3, डिवाइड बाय 1/2 7, ओके, 2 की पावर 4/3। अब इसको सॉल्व करना, तो पहले तो ये फॉर्म देख के आप घबरा मत जाना कि ये क्या है क्या नहीं है, अपनी पहली ड्यूटी है बेस सेम करना, क्योंकि बेस इक्वल हो गए तो हम किसी भी सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
दिए गए क्वेश्चन में पहले बेस सेम कर लें जिससे हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये 2/16, ठीक है, ये किसका क्यूब होता है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे किया करें, ये बहुत सिंपल है, 2/16, ठीक। इससे आप इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर से पता चल जाएगा। ओके, तो 2/16 सिंपल किसका है? पहले आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे या डायरेक्ट 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक। डायरेक्ट 6 से कर दो क्योंकि 6 है, लास्ट में 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये नियम है, आपको मैं पढ़ाऊंगा कि लास्ट में आए तो किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो 6 3 18, ओके, 6 3 18, और ये जब 18 यहाँ लेंगे तो 3 इधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर ये 6, ये फिर 6, ये फिर 6, तो ये 6 का क्यूब हो गया, तो 1/6³, ओके, 2/3। अभी ऐसे ही चल रहा था, ये 1/27, ये का आएगा 3 का क्यूब, ये तो करके देख लो आप, 3 का क्यूब 9, 3 3, ये हो गया 3 का क्यूब, ठीक। 3 × 3 × 3, ये 6 × 6 × 6 कितना आ गया, ये 2/16, ये 2/7, तो ये 3 का क्यूब हो गया, ये हो गया 1/3, ठीक। अब ये हो गया, अब होता क्या है, इट्स सिंपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल। अब ये पावर जो है, हम पावर इंटू करते हैं, तो यहाँ 1 की पावर भी 3 मान सकते हैं, इसकी भी पावर 3 मान सकते हैं, ठीक है, वही रहेगा। तो पूरी की होल पावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सबकी होल पावर, कितनी हो जाएगी सबकी होल पावर, या फिर